हेलो गाइस, मैं हूं मंदार और आप देख रहे हैं एक्ट राइडर्स। हर जगह सोशल मीडिया पे बस यही चल रहा है कि कौन एविक्ट हो गया है, यानी सिद्धार्थ शुक्ला या पारस छाबड़ा। सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में ये बातें चल रही है कि उन्हें टाइफाइड हुआ है और वो इल है और इस वजह से उन्हें बेघर कर दिया गया है और ठीक होने के बाद वापस से घर में लाया जाएगा। कुछ लोग तो इस हद तक पहुंच गए कि वो कह रहे हैं कि उसने जो आसिम को धक्का दिया इस वजह से उन्हें इविक कर दिया गया है और रीजन अलग दिया। भाई आपको कुछ पता नहीं तो आप कुछ बड़ा चढ़ा कर मत बताइए। वो जो बिग बॉस करते हैं प्रोमोज में बड़ा चढ़ा कर दिखाना, तो आप भी ऐसा ही करने लगे हो सोशल मीडिया पे। तो मैं हूं ना एक्ट राइडर्स आपके लिए हमेशा है और मैं आपको बताऊंगा तो क्या वहां पर हो गया है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये पूरी तरह से कंफर्म आप समझ लीजिएगा, 90% आप कंफर्म समझ लीजिएगा कि पारस छाबड़ा हो गए हैं घर से बेघर, पारस छाबड़ा हो गए हैं इविक्ट। अब जो भी इन्होंने टास्क में किया, जो मनमानी की, इस वजह से इन्हें इविक्ट नहीं कर दिया गया है। मैं आपको फिर एक बार बताना चाहता हूं कि टास्क की वजह से इनको इविक्ट नहीं किया है। इनको जो इविक्ट किया है, इनकी जो फिंगर इंजुरी है इसके कारण इन्हें इविक्ट किया है और ये ठीक होने के बाद वापस से इनकी घर में एंट्री हो जाएगी। अगर आपने कल देखा होगा कि इनको टास्क खेलने को भी नहीं आया और इनकी जगह पर सिद्धार्थ शुक्ला को उनके टीम में डाल दिया गया था, लेकिन अब पारस छाबड़ा पूरे ठीक होने के बाद ही वापस घर में आएंगे। फिलहाल तो यही न्यूज है कि पारस छाबड़ा घर से बेघर हुए हैं और सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस के लिए बहुत ही खुशखबर है कि सिद्धार्थ शुक्ला अभी भी वहां पर घर में मौजूद है। जी हाँ, सिद्धार्थ शुक्ला से उनको बहुत सारा टीआरपी, इसमें कुछ भी हो जाएगा सिद्धार्थ शुक्ला को अमेरिका से डॉक्टर आ जाएगा सीधा बिग बॉस के घर में, लेकिन इनको बाहर नहीं करेंगे, मैं आपको बताना चाहूंगा। तो क्या कुछ लगता है आपको हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना और इस पर कोई और भी खबर आने के बाद मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो जल्द से जल्द एक्ट राइडर्स को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए एक्ट राइडर्स। धन्यवाद।